और आदरणीय मनोज सर का भी बहुत बहुत आभार। सर मनोज जी सही कह रहे थे कि हम लोग का 2000 रुपया बढ़ा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं, हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी कुछ और भी मूलभूत समस्याएं हैं। आपने 2000 रुपया बढ़ाया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ और जो मूलभूत समस्या है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी मूलभूत समस्या 100 बच्चों की समस्या है, हमारी मूलभूत समस्या ट्रांसफर की समस्या है। हम 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उन महिला अनुदेशक जो 13 में नौकरी लगी थी उस समय वो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अविवाहित थी। बाद में जब उसकी शादी हुई दूसरे जनपद में तो अब वो ससुराल में नहीं रह पा रही है, मायके में रहती है। और आप भारतीय समाज की अवधारणा को जानते हैं, जब कोई लड़की मायके में रहती है तो समाज किस प्रकार के सवाल पैदा करते हैं, किस प्रकार के सवाल को उठाते हैं। और जो तीसरी समस्या है सर, हमारी ये जो हर साल 10 साल हमारी सेवा के हो गए, हर साल प्रधानाध्यापक के द्वारा आख्या लिया जाता है। अरे किसी की क्रेडिबिलिटी को आप साल भर में चेक कर सकते हो, 2 साल में चेक कर सकते हो, 3 साल में चेक कर सकते हो। हमारी निष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा और हमारे क्रियाकलाप को इतना लगन से हमने विद्यालय में काम किया, उसके बाद भी हमारे क्रियाकलाप को प्रत्येक वर्ष प्रधानाध्यापक के द्वारा आख्या लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो ये जो 3 मूलभूत समस्या है इस पे आदरणीय मनोज पंडित जी से आग्रह करेंगे, इस पे ध्यान देने की कृपा करें। और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि 1 जुलाई को जो हम विद्यालय में जाएं गर्मी की छुट्टी के बाद, उससे पहले इन सारी समस्या का समाधान हो जाए। इसमें सरकार को कोई पैसा भी नहीं लगना है, कोई राजस्व की क्षति भी नहीं है, तो इस सब पे ध्यान दें। और जो बात समायोजन की है सर, हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे क्रियाकलापों को आदरणीय मोदी जी ने समझा और हम अनुदेशकों के सभी विषयों को मुख्य विषय के रूप में माना। पहले हमारे अनुदेशक के विषय मुख्य विषय के रूप में विद्यालय में नहीं माने जाते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हमारे सभी विषय, चाहे वो शारीरिक शिक्षा के हो, चाहे वो कला के हो, चाहे वो कंप्यूटर के हो, किसी भी ज्ञान के हो, उसको माननीय मोदी जी ने मुख्य विषय के रूप में कार्य किया। और हमारे अस्थाई अध्यापक रखने की बात माननीय मोदी जी ने की है। और सर हमारी यदि निष्ठा पे, हमारे हमारे क्रियाकलाप पे आपको भरोसा नहीं है, हमारी क्षमता पे आपको भरोसा नहीं है, हमारी डिग्री पे आपको भरोसा नहीं है, तो हम आदरणीय मनोज पंडित जी से कहना चाहेंगे, आप हमारी परीक्षा ले लो। हम परीक्षा से भागने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक अपने विषय का परीक्षा देने को तैयार है। आप हमारी परीक्षा लो और यदि हम परीक्षा में सफल होते हैं तो हमको आगे आप समायोजित करो और हमको जो हमारा वेतनमान है वो वेतनमान दो। और जो सफल नहीं हो पाता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है सर, हो सकता है हमारे बहुत अनुदेशक हमारी बात से सहमत ना हो, हमारे लिए वो हमको ट्रोल भी करे कि आप परीक्षा की बात क्यों कर रहे हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, हमको हमारे अनुदेशकों पे भरोसा है कि हम यदि 10 वर्षों तक अपने विद्यालय में लगन से मेहनत किए हैं, अपने विषय के हम विषय विशेषज्ञ हैं, नई शिक्षा नीति में हमको स्थायी अध्यापक बनाने की बात हुई है, तो आपको भरोसा नहीं है हमारी डिग्री पे, हमारे टैलेंट पे, तो आप परीक्षा लीजिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, आप परीक्षा लीजिए हमारी, और यदि हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमको पूरा हमारा वेतनमान सरकार दे, और यदि हम परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो सरकार उसके बाद जो चाहे निर्णय ले, कोई भी अनुदेशक किसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमारी 10 वर्षों की तपस्या को उत्तर प्रदेश सरकार समझे कि किस प्रकार से हम अपने परिवार को चलाए, हमको उत्तर प्रदेश सरकार समायोजित करने की व्यवस्था करे। मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बातों को उत्तर प्रदेश की सरकार समझे। और उत्तर प्रदेश सरकार को हमेशा जब भी योगी जी भाषण देते हैं उसमें देखिए मोदी जी की बात करते हैं, और यदि मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 में हमको स्थायी अध्यापक बनाने की बात की है, हमारे विषय को मुख्य विषय बनाने की बात कही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमारे विषय को मुख्य विषय बनाते हुए हमको हमारे ही विद्यालय में स्थायी अध्यापक बनाने की
व्यवस्था करनी चाहिए। अब सरकार कैसे करे, परीक्षा लेके करे या डायरेक्ट करे, ये सरकार की समस्या है। हम सरकार के हर कदम का स्वागत करेंगे। हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम सरकार के साथ हैं। आपने 2000 रुपया बढ़ाया, हम इसका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन हमारी इन मूलभूत समस्या पे भी माननीय मनोज पंडित जी ध्यान दे और उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों से बात करके जुलाई से पहले हमारी समस्या का समाधान करे कि जब हम 1 जुलाई गर्मी छुट्टी के बाद अपने विद्यालय में जाए तो हमारा सारा टेंशन, सारी समस्या समाप्त हो जाए और उन विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा को अभी भी मैं निखारने का हम लोग कार्य कर रहे थे। 1 जुलाई के बाद और भी पूरे तन मन धन से हम उन बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करें, विद्यालय के बच्चों की संख्या को बढ़ाने का कार्य करें और पूरे तन मन धन से हम 24 गुने 7 अपने विद्यालय के बच्चों के लिए लग के और भी अच्छे तरह से किस प्रकार से बच्चों का विकास हो, बच्चों की प्रतिभा कैसे निखरे, इसका हम और भी 1 जुलाई से काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पास अभी 2 महीने का समय है, मई और जून, इसमें पूरी प्रक्रिया अपना ले और हम लोग को समायोजित करने का कार्य करें। जी सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, अभी एक बार समायोजन पर और बात करूंगा मैं आपसे, सीधा मनोज पंडित जी के पास पहुंचता हूं। मनोज पंडित जी, ये विक्रम सिंह की बड़ी पीड़ा है, ये एक विक्रम सिंह की नहीं, अनुदेशक में लगभग 100 बच्चों की सभी की पीड़ा है। हालांकि इनके ही कुछ लोग कहते हैं कि आदेश आ चुका है लेकिन कहीं एप्लीकेबल नहीं है, वो आदेश होता है एप्लीकेबल तो लोग बताते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ये कहते हैं कि एक आदेश हो चुका है लेकिन एप्लीकेबल कहीं नहीं है। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी का अपना मन है, वो करे ना करे। तो मैं चाहता हूं कि इस सब पर, ये बड़ी मूलभूत समस्या है, पति पत्नी का एक दूसरे जनपद में, पति इस जनपद में, ये तो ISIPS से भी बड़ी नौकरी होगी, कम से कम ISIPS को भी लगा देते हैं कि जिस जनपद में नियम लागू होता है ना, वहाँ नियम लागू होता है, लगा देते हैं। सुरेंद्र सर जानते हैं, ये तो उनसे भी बड़ी समस्या विडम्बना है। ये कंपेसर छोटा सा शिक्षक है और उसे इसका फायदा ना मिल पाए, तो कई चीजें हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बात, अभी जो भी चीजें हो सकती है और उनको भी सकते, देखो ये भी बाहर के लोग नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, हमारे ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ठीक है। इनकी समस्या इनकी नहीं, हमारी समस्या है, उस समस्या का जितना समाधान हम कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कैसे चलेगी। तो मेरा मानना ये है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो निपट गई वो अच्छी बात है, जिनके आदेश हो चुके, जिनका पालन नहीं हो रहा है, उनका भी उनपे भी दोबारा ध्यान दिया जाएगा, उनका भी संज्ञान लिया जाएगा, उनका भी पालन कराया जाएगा, ठीक है। रही बात कि ट्रांसफर पोस्टिंग की, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, उसको हम भी चाहते हैं कि भाई आदमी नजदीक रहेगा तो समय बचेगा उसका और वो अपने कार्य में ज्यादा ध्यान दे पाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि भाई ठीक है, जो नई भर्तियां होनी है तो नई भर्तियों, मैं तो कहता हूँ ठीक है भाई, आपकी डिग्री, आपका एग्जाम, बहुत अच्छी बात कही विक्रम सिंह जी ने कि भाई अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारे एग्जाम ले लो, पर उस एग्जाम के साथ एक प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि जो आपका 10 साल का अनुभव है उस अनुभव का भी उसमें जोड़ दे, ताकि आप तो 10 साल काम कर ही चुके हो ना, जो नया आएगा वो सीखेगा, आप सीखे हुए हो, आपको पता है तरीका क्या है, कैसे हमने चीजों को चलाना है, तो आपके लिए ज्यादा पहले वरीयता देनी चाहिए ताकि नए आदमी को लाने से। तो बिल्कुल हम लोग इसमें जो और बढ़िया सरकार जो नीति बनाने के लिए तैयार है वो भी हम करेंगे, और अभी एक लड़ाई जीती है और लड़ाइयों के लिए भी हम लोग तैयार है। शिवकुमार जी, आप रोज इस मंच से इतनी मेहनत करते हैं।